इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई अब एक जंग में तब्दील होती हुई दिख रही है। वह इसलिए कि अब इजरायली सेना अपना पूरा फोकस उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला को मिटाने पर कर रही है, और इसी कड़ी में इजरायली फौज ने 21 सितंबर 2024 को दक्षिणी लेबनान में एक साथ 290 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला कर दिया। आईडीएफ का कहना है कि उसने इस हमले में हिजबुल्ला के हजारों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। वहीं इसके जवाब में हिजबुल्ला ने भी आईडीएफ पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये आपसी पलटवार एक युद्ध में तब्दील हो चुका है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 22 सितंबर 2024 को अलमर्ज साइट पर पहले तो इजरायली सेना के ऊपर निगरानी रखी, और फिर जैसे ही आईडीएफ उसके रडार पर आई, हिजबुल्ला ने उनके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार कर दिया, जिसकी चपेट में कई आईडीएफ जवान और एक मरकावा टैंक आ गया। इस हमले को लेकर लेबनानी मीडिया अल मयादीन का कहना है कि हिजबुल्ला के इस टैंक में आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि तीसरा घायल हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले हिजबुल्ला ने अल मनारा साइट और यफ्ता बैरिक्स पर हाल ही में बनी एक आईडीएफ चौकी पर ड्रोन्स का एक पूरा जत्था फायर किया था। हिजबुल्ला के मुताबिक उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। इसके बाद अल बगदादी और मायाम बरूच साइट पर भी हिजबुल्ला ने सीधे रॉकेट दागे। और जब ये हमला हो रहा था उस वक्त हिजबुल्ला ने कब्जे वाले शीबा फार्म्स में अल रडार साइट पर भी गोला बारूद बरसाया। और इन हमलों के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्ला ने रामा डेविड एयरबेस और राफाल मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर हमले का एक वीडियो भी जारी कर दिया। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले तो ड्रोन्स के जरिए इन ठिकानों को चिन्हित किया गया, और फिर दक्षिणी लेबनान की तरफ से इन पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शुरू हो गए। लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्ला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ लड़ाई अब एक नए चरण में पहुंच चुकी है। نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ولا نخشى أخطر الاحتمالات ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية. वहीं दूसरी तरफ इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्ला से दो टूक कह दिया है कि अगर हिजबुल्ला को अभी भी ये संदेश नहीं मिला है तो वो कान खोल कर सुन ले, हम उसे ये संदेश समझा देंगे। בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם הוא יבין את המסר. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security
and to bring our people safe back to their homes. आपको बता दें कि 20 सितंबर 2024 को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी समेत हिजबुल्ला के 16 लड़ाके मारे गए थे। इस हमले में कुल 37 मौतें हुई थी और इस हमले से पहले लेबनान में बैक टू बैक पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।